दिगोरी चौक में हुए फायरिंग में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस जांच में पता चला कि हमला पुरानी दुश्मनी को ध्यान में रखकर किया गया था। शनिवार को दिघोरी परिसर के चामट चक्की चौक में पुरानी रंजिश के चलते सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। सक्करदर्रा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऑटो डीलर इमरान सिद्दीकी पर हमलावर रफीक ने सरेआम गोली चला दी। इमरान पर रफीक ने हमला तब किया जब वह अपने मित्र गुलाम अली से चौक पर बात कर रहा था। इस फायरिंग में अब्दुल शहबाज और शाहबाज खान उर्फ धवन ने रफीक का साथ दिया है। दरअसल एक वर्ष पहले इमरान ने रफीक पर तलवार से हमला कर मारने की कोशिश की थी, जिसका बदला लेने के लिए रफीक ने शनिवार को इमरान पर गोली चलाई और फरार हो गया। आरोपियों को घटना के 2 घंटे बाद ही पकड़ लिया गया और न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 3 आरोपियों को 13 मार्च तक पुलिस रिमांड पे भेज दिया है।